हम बात कर रहे हैं यू का सीज़न 4 के पहले पार्ट के पहले एपिसोड की, जिसमें दिखाता है कि जो को इसका ये जो फ्रेंड है मैल्कम, मैल्कम इसको एक पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर वो उसे बहुत दारू पिलाता है, एकदम नशे में चूर कर देता है उसको। ये देखिए पार्टी में ये लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, और जो पिए जा रहा है वो बेहोश हो जा रहा है, वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके सुध-बुध खो चुके हैं। ये बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है, इसे खुद समझ नहीं आ रहा है कि इसने किसका जैकेट पहन लिया है और ये कहाँ है, इसे किसी की बोली भी समझ नहीं आ रही है, और ये अपना फ़ोन चेक करा पर इसे अपना फ़ोन भी नहीं मिला है। और फिर अचानक अगले सुबह जब वो उठता है तो देखते हैं कि वो अपने घर में ही सो रहा है। फिर उसे लगता है कि उसके फ्रेंड मैल्कम ने उसको सही सलामत उसके घर पहुँचा दिया है। वो हर सुबह की तरह आराम से उठता है और जाकर सबसे पहले अपनी कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी बनाकर वो अपने किचन से निकल ही रहा होता है कि वो देखता है कि उसके दोस्त मैल्कम की बॉडी, डेड बॉडी, उसके डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई है, जिसमें एक चाकू लगा हुआ और खून निकल चुका है। वो याद करने की कोशिश करता है क्योंकि जो ने पहले भी खून कर लिया, इसलिए उसे ऐसा लगता है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसी ने तो इसे नहीं मार दिया, तो वो सोचता है कि इस बॉडी को डिस्पोज करें। तो सबसे पहले वो चाकू को निकालता है, उसने अपने हाथ में ग्लव्स भी पहने ताकि वो पकड़ा ना जाए, उसके फिंगरप्रिंट्स ना मिले। डेड बॉडी को टेबल के नीचे गिराता है वो, और उसकी तहकीकात करता है तो उसको उसके पॉकेट से एक फ़ोन मिलता है। और तहकीकात करने के बाद वो देखता है कि डेड बॉडी की एक उंगली कटी हुई है, उसके लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, जिसमें वो एक रिंग पहनता था। क्योंकि जो को खुद पर ही डाउट रहता है कि उसी ने उसका खून किया, तो वो सोचता है कि वो आखिर उंगली काट कर कहाँ छिपा सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसी ने उसको मारा और उसी ने उसकी उंगली काटी है। तभी वो केट के विंडो से देखता है कि उसके घर में पुलिस आए हैं, तो वो सोचता है बॉडी को जल्दी डिस्पोज करना पड़ेगा वरना वो पकड़ा जाएगा। तो सबसे पहले वो दौड़ के अपने रूम में जाता है और कारपेट में उस डेड बॉडी को लपेट के कार के डिक्की में रखता है। उसके बाद दफनाने के लिए वो किसी बंद फैक्ट्री की तरफ जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ का जो मालिक है वो एक फ़ुटबॉल मैच देखने के लिए जाता है, और फुटबॉल मैच का टाइम रहता है हाफ एन आवर, यानी उसके पास हाफ एन आवर है टाइम बॉडी को डिस्पोज करने के लिए। डेड बॉडी को लेकर के उस फैक्ट्री में जाता है और सबसे पहले कारपेट से हटा करके उसके कपड़े उतारेगा। उसके बाद एक एक करके वो उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है सॉ से काट के। उसके बॉडी के टुकड़े करने के बाद वो उसको प्लास्टिक में रैप करता है ताकि वो उसको एक नदी में जा कर के फेंक सके।